हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जुडिशरी गोल्ड ये बात हम सबको अब पता चल गई कि जस्टिस दीपांकुर दत्ता जो कि अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो अब एलिवेट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह और इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में बड़े ही पांच जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में वो हम जानने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी उनकी पर्सनल लाइफ के और उनकी एजुकेशन के बारे में उनका जो बर्थ है वो नाइन्थ फेबर को हुआ और इनके पिताजी खुद भी कलकत्ता कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इनका जो एजुकेशन है यानी कि जो लॉ का एजुकेशन है वो 1989 में कंप्लीट हुआ और उसके बाद से ही उन्होंने कलकत्ता कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी ये काफी जगहों पर इन्होंने पैनल एडवोकेट की तरह वर्किंग करी इन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट किया उसके कई अलग अलग रूल्स में यहां से आगे बढ़ते हैं एक छोटी सी बात जो हम सभी को पता है कि काफी सारे ऐसे जजेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के भी हाई कोर्ट के भी जस्टिस हिदायतुल्ला से लेकर अभी तक जिन्होंने कभी ना कभी पढ़ाया जरूर है कभी ना कभी लोग टीचिंग फील्ड से जरूर जुड़े रहे और जस्टिस दीपांकुर दत्ता ये भी गेस्ट फैकल्टी थे गेस्ट लेक्चरर थे हजारा लॉ कॉलेज 1996 से 97 तक और 1999 से 2000 तक तो इन्होंने गेस्ट फैकल्टी की तरह भी जो है वर्किंग करी है यहां से आगे बढ़े उसके पहले कुछ छोटी सी जानकारी मैं आपको जुडिशरी गोल्ड के बारे में शेयर करना चाहता हूं जुडिशरी गोल्ड जैसा कि हम सभी को पता है कि अब ऑफलाइन भी हो गया है जो 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 आप अभी तक कर सकते थे, वो अब भोपाल में ऑफलाइन भी कर सकते हो भोपाल में एमपी नगर जोन टू में जो क्लासेस हैं वो जनवरी से स्टार्ट होने वाली है कुछ इसके फीचर्स में आपको बता दूं यहां पर 800, 800 घंटों से ज्यादा भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो मेंटरिंग सेशंस होंगे ऑब्वियसली जो अभी तक ऑनलाइन चलते थे वो ऑफलाइन भी अवेलेबल होंगे जेएसएमस यानी कि जुडिशरी स्टडी मटेरियल वो भी अब आपको अवेलेबल होगा अगर आप जुडिशरी गोल्ड के पार्ट बनते हैं तो अच्छा इसके आगे जो मेन जो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट सीरीज जो कि हर इक्वल इंटरवल्स पे करवाई जाती है वो भी यहां पर अवेलेबल है मंथली आंसर राइटिंग टेस्ट होते हैं इसके अलावा जजमेंट राइटिंग जो एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है वो भी अब यहां पर मंथली बेस पर अवेलेबल है ये सब अभी तक ऑनलाइन अवेलेबल था अब ऑफलाइन भी हो सकता है आप भोपाल में आकर ज्वाइन कर सकते हो स्टेट स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज दस अलग अलग स्टेट्स जिनकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं उनकी टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल होगी और जो क्रैश कोर्स हैं, जब भी कोई एग्जाम आता है उससे जुड़ा हुआ क्रैश कोर्स जो भी होगा वो भी आपको यहां पर अवेलेबल होगा और आज से ही हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो भी स्टार्ट हो गया है अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं जस्टिस दीपांकुर दत्ता जिनकी हम बात कर रहे थे वो 2006 में उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में एज अ जज उनको उनकी पोस्टिंग हुई। इसके अलावा 2020 में उनको बॉम्बे हाईकोर्ट में वो जज की तरह अपॉइंट हुए चीफ जस्टिस में प्रमोट हुए और आज 12 दिसंबर 2022 को उनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हो गया अब जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे उनसे उस समय जो उन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट केसेस डील किए उनको डिसाइड किया उनमें से दो बड़े इंटरेस्टिंग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ध्रुति कपाडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इस केस में बेसिकली जो पॉइंट डिसाइड uh, करने वाला था वो ये था कि जो क्योंकि कोरोना वायरस वाला पीरियड चल रहा था बीमारी चल रही थी और जो बॉम्बे बॉम्बेपल कॉर्पोरेशन है वो वेट कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर का कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करती है तो वो डोर टू तो डोर कैंपेन चलाएगा वैक्सीनेशन के लिए और क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही थी ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था जब इससे जुड़ी हुई पीआईएल कोर्ट में फाइल हुई तो जस्टिस दीपांकु रतन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली वो बात ये है कि अगर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेडी है तैयार है और डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन कर सकता है तो बिना सरकार के ऑर्डर का वेट किए हम यानी कि कोर्ट उसको आदेश करेगा कि वो अपना कैंपेन स्टार्ट करे थोड़े समय बाद हमको पता है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट हो गया था बट ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था जहां पर कोर्ट ने कहा कि सरकार के ऑर्डर्स का वेट करने की जरूरत नहीं है अगर आप आप कहते हो आप हो तैयार तो हम ही आपको ऑर्डर करेंगे अपने एंड से और आप वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हो ये एक बड़ा खास केस है इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत जो डेथ केस था उसमें हम लोगों को पता है कि काफी जो है उसमें काफी मीडिया ट्रायल हो रहा था और जब यह बात जाहिर सी बात है पीआईएल में कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने कहा कि मीडिया को अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना और अगर कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है है प्रोसीडिंग चल रही है, और उस दौरान अगर मीडिया ट्राई कर रहा है और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि उसको नहीं देनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन के अलावा जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके अलावा कुछ और है तो उसको हम लोग लीगल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस मानेंगे और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह काम करेगा ये बड़े दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हमको जस्टिस दीपांकुर दत्ता के बारे में इन दो केस से पता चलते हैं अब क्योंकि आज उनका एलिवेशन हो गया है सुप्रीम कोर्ट में तो अब हमको और भी सारे अच्छे जजमेंट्स देखने मिलेंगे तो ये थे आखिर कुछ फैक्ट्स जस्टिस दीपांकु दत्ता के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट